सर नमस्कार। मेरा हाँ नमस्कार कपिल जी। 22-23 तारीख को मेरे को थोड़ा बुखार शुरू हुआ था, ज्यादा नहीं था, मगर वो नॉर्मल मेडिसिन डॉक्टर से लेके और जब लगा 3-4 दिन में कि ये सुधर नहीं रहा, तो हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में गुड़गांव में, मैं गुड़गांव से हूँ, गुड़गांव में आर्टिमिस हॉस्पिटल है, तो इसमें एडमिट हुआ था। वहां पे मेरा शुरू में उन्होंने 3-4 दिन यही बुखार का ट्रीटमेंट किया, नॉर्मल जो है एंटीबायोटिक दे के उन्हें भी लग रहा था कि नहीं, क्योंकि और सिम्टम कोई नजर नहीं आए। मगर दो तारीख को फिर जब उन्होंने मेरा सीटी किया, उसके बाद 2 तारीख को उन्हें लगा कि भाई इसमें कोई छोट निमोनिया है तो कोविड का टेस्ट करना चाहिए। जब टेस्ट में ले जाके तो वो पॉजिटिव आया। उसके बाद से मेरे ख्याल से आपके यहाँ पे भी इन्फॉर्म हो गया, और शुरू में तो मेरा पहला प्राइवेट टेस्ट उन्होंने करवाया किसी लैब से, उसके बाद आपके यहाँ से सिविल हॉस्पिटल से आगे उन्होंने भी टेस्ट किया, अगले दिन ही उन्होंने टेस्ट किया। मीनवाइल मेरी फैमिली के भी जो है 4 लोगों के टेस्ट किए गए जो नेगेटिव आए, जो बहुत बड़ा एक रिलीफ था मेरे लिए हॉस्पिटल में। बाकी ट्रीटमेंट उसी हिसाब से फिर मेरा उसके बाद चला, और अब मेरे 2 टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ गए हैं, मैं आज ही सुबह रिलीज हुआ हूँ हॉस्पिटल से। बहुत अच्छा, बहुत आपको बहुत बहुत शुभकामना बधाई, आप ठीक होकर के निकले हैं। आप जो इस प्रकार के इलाज में अभी भी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं, उनके लिए क्या कोई संदेश देना चाहेंगे? पेशेंस रखनी पड़ेगी, जो प्रिकॉशन है वो सारी लेनी पड़ेगी। मैं तो जब अपने आप भी हॉस्पिटल में था तो मेरा ये था कि जो हमारी सोसाइटी है, मैं वहां से जो भी टाइम मेरे पास बहुत था तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखता रहता था, खासकर सीनियर सिटीजन वगैरह के लिए जिनको प्रॉब्लम हो रही थी कि बिना हेल्प के, बिना मेड के, बिना भतीजों के, एक इस उम्र में उनको लग रहा था कि कैसे किया जाए मैनेज, तो मैं यही लिख रहा था कि इस वक्त तो एक एक दिन लेके चलना पड़ेगा और आपको जो है ये टाइम काटना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रिस्क लेंगे थोड़ा भी तो वो भारी पड़ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना आपको।